औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इजाज़ कुरैशी, ऑनलाइन अर्निंग मैथ टीचर, माइंड चेंजर एंड बिज़नेस आइडिया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आज हम आपके पास बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ लेके आए हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं। मीन आपको किसी बड़ी मशीनरी, किसी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं। जहाँ आप रह रहे हैं, एक चरपाई के एरिए में, दो चरपाई के एरिए में, एक बेडरूम के एरिए में, कारपेट बिछा के, दरियाँ बिछा के, सफ़े बिछा के आप वो काम कर सकते हैं। कोई बड़ी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको ध्यान से सुन लें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी पुश कर दें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुँचती रहे फौरन। ये देखें कि ये एक छोटा सा आइडिया है कि आपने एक बच्चों के टॉय लेने हैं शालमी से। इसमें ऐनक है, बैलून है, छोटे क्लिप हैं। एक बॉयज़ के लिए बनाना है, एक कार, एक जो है वो जेंट्स के लिए बनाना है, जिसमें छोटे खिलौने हैं, कारें हैं, छोटे छोटे डिंकी हैं, कोई ग्लासेस हैं, कोई चॉकलेट है, कोई टॉफ़ी है, छोटे 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 टॉयज़ हैं, ए बी सी के पार्ट्स हैं, छोटे टूल्स हैं। फिर आपने इनको जो है ना एक पैकेट बना के शॉपिंग बैग में, छोटे प्लास्टिक के शाइनिंग वाले बैग में, या किसी बॉक्स में, या जितनी अच्छी इसकी पैकिंग करेंगे, जितनी अच्छी बॉक्स में करेंगे उतनी अच्छी बिकेंगे। इसमें आपको 10 रुपये अगर आप लगाएंगे तो आपको 100 रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन मेहनत तो करनी है हर काम में, मेहनत के बगैर तो कोई काम भी नहीं हो सकता। जो भी छोटे छोटे टॉयज़ हैं इनमें साथ आप एक टॉफ़ी डाल सकते हैं, एक आप इनमें कैंडी डाल सकते हैं, कोई चॉकलेट डाल सकते हैं। छोटे छोटे जो टॉयज़ हैं ना आपने ऐसे पैक कर देने हैं तो ये आपका कोई 300 का बिक रहा है, कोई 700 का बिक रहा है, कोई 200 का बिक रहा है। इसमें आपका एक सौ रुपया भी खर्चा नहीं आता। अगर आपका का 100 रुपया खर्चा आता है तो आपका 600 रुपये का बिकता है, 1000 रुपये का बिकता है। लेकिन ये आपका जो है ना इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट है भाई जान, किसी चीज़ में इतना प्रॉफिट नहीं। और आप एक बहुत आराम से थोड़ी सी मेहनत के साथ एक दिन में 2000, 3000, 4000, 5000 तक आसानी से कमा सकते हैं। हम किसी से जो 10 रुपये मांगते हैं, 20 रुपये मांगते हैं, लोन मांगते हैं, और थोड़ी सी उतनी मेहनत करके अपना कारोबार क्यों नहीं कर लेते भजन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत, स्ट्रगल, अपने ऊपर एतमाद, अपनी बाजू के ऊपर एतमाद, अपने इरादों के ऊपर एतमाद, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। आप सब जब सुबह उठेंगे, मेहनत के लिए निकल जाएंगे तो अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। जब आप सुबह उठेंगे ही नहीं, स्ट्रगल ही नहीं करेंगे, खुद डिसाइड हो जाएंगे, तो ऐसे आप अर्निंग नहीं कर सकते। अर्निंग के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मेहनत करें तो सब कुछ मेहनत के साथ आपको मिलेगा। जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग कुछ नहीं करते, फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान है भाईजान। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में जो है पैसा कमाने के मौके नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौके हैं, पाकिस्तान में पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा मौके हैं। अगर आप एवरेज जो बिजनेसमैन, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, उन्हें उनसे आप पूछें, वो दो साल में अक्सर पूरी दुनिया का दौरा करके आते हैं, करोड़ों डॉलर पाकिस्तान से कमा के खर्च करके आते हैं, और वो 10-10 रुपये का बिस्किट, 10-10 रुपये की चॉकलेट, 50 रुपये की कोई टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट्स, केक, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाली इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये पाकिस्तान से बाहर जाने का नाम नहीं लेते। जितना पाकिस्तान में पैसा है दुनिया में कहीं भी नहीं है। इंग्लैंड में आप इतनी आसानी से पैसा नहीं कमा सकते जितनी आसानी से आप पाकिस्तान में फॉरेन रिटर्न के साथ पैसा कमा सकते हैं। अमेरिका में सैलरी ज़्यादा है, इंग्लैंड में सैलरी ज़्यादा है, इंग्लैंड में टैक्स ज़्यादा है। एक सेटअप का एक सिस्टम है, जो जहाँ पर दुनिया में सेट हो जाता है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जो लोग अभी तक सेट नहीं हुए, जो लोग अभी तक हैंड टू माउथ हैं, जिनके अभी तक पैसे के मसाइल हल नहीं हुए, जिनके अभी तक खर्चे पूरे नहीं हुए, मेरा कहने का मकसद है अगर एक दिन का आपका 2000 रुपये का खर्चा है तो आपका पूरा होना चाहिए। अगर एक दिन का 500 का खर्चा है, जिसका 1000 रुपये का खर्चा है, मिनिमम 20-30 हज़ार से कम मज़दूर का घर नहीं चलता, मज़दूर से मज़दूर लेबर का भी घर नहीं चलता। तो भाईजान आप थोड़े से बिज़नेस की तरफ आएँ, थोड़े से मेहनत की तरफ आएँ, स्ट्रगल की तरफ आएँ,
शालमी से आप कोई भी चीज़ पैक कर सकते हैं, वो पैक करके तो आप बहुत आसानी से सारी दुनिया में बेच सकते हैं, इवन कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सिर्फ रीपैक करके। चाइना से जो होलसेल का सामान आता है बहुत सस्ता सामान आता है, वो खिलौने छोटे छोटे उठाएं, उनको रीपैक करें, मुख्तलिफ स्टोर में मुख्तलिफ जगहों पे आप सेल करें, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आप घर बैठ के आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपका काम होना चाहिए, आपने मेहनत की हो। मेहनत किए बगैर तो कुछ भी नहीं होता भाई जान, मेहनत करें, सबसे पहले मेहनत करें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। मेरी वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है जिसमें और बहुत सारे कारोबार हैं। मैं इस हफ्ते सारे जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं सब के ऊपर एक ही चीज़ है कि बग़ैर मशीनरी के, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ थोड़े से पैसे लगा के 1-2 हज़ार से भी आप काम शुरू कर सकते हैं भाई जान, काम करने वाले बने।